शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। यही तो मैं चाहती थी तुलसी, कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाए। समस्त संसार के पापों से रक्षा की थी ना तुमने इस गोरबा की, लेकिन अब वही गोरबा वाले तुम्हें पापी समझ रहे हैं और तुम्हें उस पाप का दंड देंगे जो तुमने कभी किया ही नहीं है। लड्डू गोपाल, तुम्हारे भक्तों के मन में तुम्हारे प्रिय भक्त तुलसी के प्रति विष घोल दिया है मैंने। क्या करोगे तुम? तुम मुझे तो रोक सकते हो लड्डू गोपाल, किंतु तुम्हारे भक्तों को ये महापाप करने से कैसे रोकोगे लड्डू गोपाल? अब अंत होगा इस संसार से भक्ति का और तुम्हारी परम भक्त तुलसी का। पुतना, इस संसार के हर पापी को यही लगता है कि सब कुछ उसके अनुसार ही घट रहा है। हर अधर्मी यही सोचता है कि उसी की जीत हो रही है जब तक उसका अंत नहीं हो जाता। पर अपने अहंकार में वो ये भी भूल जाते हैं कि नियति का चक्र छल से नहीं अभी तो कर्म से अग्रसर होता है। पुतना, तुमने अपने छल से तुलसी को कर्म नाशा के पाप दिए हैं। उसका अंत तुलसी अपने कर्मों के द्वारा करेगी। तुलसी की इस यात्रा में उसके पूर्व जन्म के कर्म भी उसके साथ होंगे। हे कर्मनाशा नदी, हमारी पुकार सुनी, हमारी विनती स्वीकार कीजिए, हमें दर्शन दीजिए। देवी, हमें दर्शन दीजिए। बोलो तुलसी, तुमने मुझे क्यों पुकारा? क्या सहायता कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? देवी, आप धरती लोक के पापों को पाताल लोक लेकर जाती है। आपकी यात्रा पाताल लोक तक है और हमें लड्डू गोपाल का विग्रह लाने पाताल लोक जाना है। तुलसी, मैंने विवश होके अपने पाप तुम्हें दिए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। पर कलयुग का कोई भी मनुष्य किसी और लोक की यात्रा नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि आप हमें तुलसी के रूप में पाताल नहीं ले जा सकती, पर भगवान लड्डू गोपाल ने हमें पाताल जाने का एक मार्ग बताया है। गोपी भद्रा के रूप में पाताल जा सकती हो। देवी, मनुष्य की आत्मा में उसके हर जन्म की आत्मा सुरक्षित होती है, उसका हर रूप जीवित होता है। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे पूर्व जन्म का भद्रा का रूप हमें प्रदान कीजिए और हमें पाताल लोक ले चलिए। तुलसी, किसी भी साधारण मनुष्य के लिए ये संभव नहीं होता, पर तुम जन जन्मांतर से लड्डू गोपाल की भक्त हो। बिना कोई पाप किए भी मेरे दिए गए संसार के सबसे भयंकर पापों को सहन कर रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुलसी, यही मेरे पापों का प्रायश्चित होगा, इसी से मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त हो सकती हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का द्वापर काल का भद्रा रूप प्रदान करती हूँ। तुलसी, तुलसी मेरा भक्त करो। भद्रा के रूप में मुझसे बहुत सी भूल हुई थी, पर तुलसी ने अपना जीवन भक्ति और धर्म को समर्पित कर दी। मैं धन्य हो गई अपने स्वरूप से मिलकर। हे कर्मनाशा नदी, ये केवल आप ही के कारण संभव हुआ है।
आपको कोटि कोटि नमन। भद्रा, तुम तुलसी का पूर्व जन्म हो, इसीलिए मैं तुम्हें अधिक देर तक ये रूप प्रदान नहीं कर सकती। तुम्हें शीघ्र ही पाताल लोक जाके लड्डू गोपाल की प्रतिमा को लाना होगा, क्योंकि धरती लोक में बिना प्राण के शरीर अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। तुम्हें अभी और इसी क्षण मेरे जल में प्रवेश कर पाताल की यात्रा आरंभ करनी होगी। जी। ये संसार में प्रथम बार हो रहा है कि कोई अपने इस जन्म के कर्मों को पूरा करने के लिए अपने पूर्व जन्म की यात्रा पर जा रहा है। ऐसा केवल तुम्हारी भक्त, त्याग और समर्पण से ही संभव हो पाया है तुलसी। क्योंकि पुरारो च मुरारो चन भेदः पारमार्थिकः तथापि माम की भक्ति है चंद्र चुड़े प्रथावती, अर्थात जो सच्ची भक्ति से स्वयं को साध लेता है वो सब कुछ साध लेता है। फिर उसके लिए पुरारी या मुरारी में कोई पारमार्थिक भेद नहीं रह जाता। फिर उसके लिए हर जन हर काल की यात्रा करना संभव हो जाता है। पर तुलसी, ये जानते हुए भी कि जहाँ तुम जा रही हो वहाँ से लौटना अत्यंत कठिन है, वहाँ तुम अपने इस जन और पूर्व जन के रूप को भी खो सकती हो। केवल भक्ति और धर्म की रक्षा के लिए तुम ये कर्म कर रही हो, इसलिए तुम धन्य हो तुलसी, और धन्य है तुम्हारी भक्ति। पाताल लोक का ये मार्ग तो अत्यंत लंबा है, अभी तो जलमार्ग ही समाप्त नहीं हुआ है। पाताल लोक पहुंचकर हमें उस बाणासुर के महल को भी ढूंढना होगा। दीदी, वही हुआ जिसका हमें डर था। तुलसी के पापों का असर शुरू हो गया है। देखो रामभुवन भैया के बेटे को। रामभुवन, रामभुवन क्या हुआ नंदू को? तुलसी के बाल हत्या के पाप का दोष लगा है इसे, पर अब तो ओझा जी ने भी कह दिया कि कोई इसे नहीं बचा सकता। तुम्हारी तुलसी हत्यारी ना दीदी, हत्यारी। बुलाओ तुलसी को। तुलसी, बाहर आओ। तुलसी, तुलसी बाहर आओ। दीदी, तुम चुप क्यों हो? देखो तुलसी की वजह से नंदू मरने वाला है, बुलाओ ना तुलसी को। कहीं गांव छोड़कर भाग तो नहीं गई वो? कीर्तन, तुम्हें पता है मेरी तुलसी ऐसी नहीं है, वो समस्याओं से भागती नहीं, उनका समाधान निकालती है। तो बुलाओ ना अपना समाधान करने वाली बेटी को। कहां चली गई है वो नंदू का जीवन संकट में डालकर? तो ये है उस पापी बाणासुर का महल, जहां वो युगों से बंदी है, और इसी महल में उसने मेरे लड्डू गोपाल के विग्रह को छुपा रखा है। बताइए लड्डू गोपाल, कहां है वो स्त्री? कब आएगी वो? वो स्त्री जिससे विवाह करूंगा मैं। अरे और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी मुझे, कितनी प्रतीक्षा उस स्त्री की, जो बनाएगी मुझे त्रिलोकीनाथ। अरे प्रभु बताइए, प्रभु आप तो आपके सभी भक्तों की पुकार सुनते हैं, है ना? ऐसी ऐसे चुटकी में उत्तर देते हैं, तो फिर बाणासुर के समक्ष आप ऐसे मौन क्यों है प्रभु? कहाँ है वो स्त्री?
आपकी वो प्रिय भक्त। धन्यवाद प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।